Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो सबको हैप्पी शिवरात्रि. और मैं आपके एजुकेशन अभिजीत मिश्रा के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की. ये एक रिवीजन होगा, आपको पता है, तो एक बार दिखाते हैं आप लोग भी कितना पढ़ कर आए हैं यहाँ पर. तो शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर सेशन की, और स्टार्टिंग करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ. तो मोटिवेशनल कोट हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है, देख लीजिए. तो मोटिवेशनल कोट की बात करें, आपके सामने आ चुका है. एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप with your dreams or wake up and chase them. तो हर मॉर्निंग में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नया दिन आता है वो नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है. या तो सोते रहिए, सपने देखते रहिए, या फिर उन सपनों को पूरा करने के लिए उठिए, जागिए और मेहनत करिए. ये आपके हाथ में होता है. ये चीज़ आपको कोई भी सिखा नहीं सकता, ये चीज़ कोई आपको समझा नहीं सकता, ये आपको खुद समझना पड़ेगा. आप लोग रॉकस्टार्स हैं, आप लोग कर लेंगे, है ना? अपने पे बिलीव करिए, आगे बढ़िए और खूब मेहनत करिए, यही आपका कर्तव्य होना है. चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. और हमेशा की तरह ये जो मंडे में हमारा रिवीजन होगा, तो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं. तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये देख सकते हैं आप लोग. फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए. When will the पोषण पखवाड़ा be launched across the country to celebrate the first anniversary of पोषण अभियान? तो पोषण अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए देशभर में पोषण पखवाड़ा कब लॉन्च किया जाएगा, यह आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. चलिए आंसर दे, क्या इसका आंसर होगा? हाँ, शिवरात्रि है आज, बढ़िया दिन है. तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की, और यहां पर आंसर आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, देखते हैं क्या इसका आंसर होगा. एंड द आंसर इज 8 मार्च. 8 मार्च इज राइट आंसर. चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर क्वेश्चन नंबर 2. बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक. द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड हाउ मैनी मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट ऑन 1 मार्च टू ऑपरेशनलाइज द 2 मेट्रो रेल लाइन्स फॉर द मुंबई मेट्रो रेल सिस्टम प्रोजेक्ट. यानी एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली परियोजना के लिए 2 मेट्रो रेल लाइनों के संचालन के लिए 1 मार्च को कितने मिलियन डॉलर लोन का एग्रीमेंट किया था. और यहाँ पर आंसर आने भी शुरू हो गए हैं. पहला आंसर नितिन ने दिया है एंड द आंसर इज 926 करोड़ रुपीज़. 926 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट. ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 7th रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंटर सेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग 7th RCEP ISSL MM शॉर्ट में बोल रहे हैं, हेल्ड ऑन 2 मार्च. तो 2 मार्च को 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी अंतर मंत्रालय बैठक कहां पे आयोजित की गई, किस देश में की गई, ये आपसे पूछा गया है. सुनील, थैंक यू सो मच. चलिए मुझे बताएं आंसर. और यहां पे सुरेन ठक्कर का पहला आंसर आया है, वेरी गुड, बढ़िया. एंड द आंसर इज कंबोडिया. कंबोडिया इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज, द इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लॉन्च इट्स ओन पेमेंट एग्रीगेटर सिस्टम. इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अपना स्वयं का भुगतान एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है. इसका नाम आपको बताना है और ये आपको पढ़ाया भी गया है, क्या इसका आंसर होगा. चलिए कंबोडिया वाले बिल्कुल सही हैं और आंसर आ चुका है. यहाँ पर स्वाति सुमन का पहला आंसर आया है,
एंड द आंसर इज आई पे. आई पे ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक बात समझिएगा, इसमें सैटरडे के बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं. सैटरडे करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू में कवर करते हैं थोड़ा बहुत, तो याद रहे कुछ नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उसका मतलब वो सैटरडे को हुए हैं इवेंट. ठीक. Who was appointed as non-executive chairman of Bank of Baroda for 3 years on 1 March? 1 March को 3 साल के लिए Bank of Baroda के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट किया गया, ये आपसे पूछा गया है. और आंसर आपको देना है आई पे. सारे बच्चों ने अभी तक मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर दिए हैं. और यहाँ पे उदय पाटिल बोल रहे हैं हसमुख अधिया. हसमुख अधिया क्या हो सकता है ऐसा? चलिए सुनील थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम. एंड द आंसर इज हसमुख अधिया. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक. सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं ये जान के बड़ी खुशी हो रही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. सेबी हैज लोअर्ड द रेगुलेटरी फी दैट इट चार्जेस फ्रॉम मार्केट इंटरमीडियरीज. द फी दैट ब्रोकर्स हैव टू पे टू सेबी हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मच परसेंट. तो सेबी ने बाजार के जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे वसूले जाने वाले जो इनके नियामक शुल्क होते हैं उसे कम कर दिया है. तो ब्रोकरों को सेबी को जो शुल्क देना पड़ता था उसमें कितने परसेंट की कटौती की गई है, ये आपसे पूछा गया है. और सबको हेलो, सबको हाय. स्वाति सुमन, प्रांजल पांडे, ठीक है. तनुजा वर्मा, वेरी गुड. विश्वजीत, बहुत बढ़िया. एंड द आंसर इज 33.33%. बहुत बढ़िया. आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है. देखिए अकॉर्डिंग टू निक्की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स. According to Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers Index, the manufacturing activity expanded to a 14-month high of how much percent in February? तो Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers Index के अनुसार विनिर्माण गतिविधियां फरवरी में 14 महीने के उच्च स्तर पर विस्तारित हुई हैं, मतलब कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है फरवरी में, ये पूछा गया आपसे. आंसर आ रहे हैं एंड द आंसर इज 54.3%. आइए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. तो हु टुक चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडर यस बैंक ऑन 1 मार्च. 1 मार्च को प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ. वॉट इज द आंसर? और ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताएं, फिर इस क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे हम. एंड द आंसर इज, जी हाँ, आंसर इज रवनीत गिल. गुड, वेरी गुड. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. एज पर मूडीज क्वार्टरली ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट विच परसेंट इन द कैलेंडर ईयर 19-20. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं. मूडीज की हम बात कर रहे हैं. अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो एक कॉपी बनाइए जिसमें पहले पेज पे इंडेक्सेस बनाइए. उस इंडेक्स में एक पॉइंट आपका होना चाहिए ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन विथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. एक आपका होना चाहिए, 2-3 पेज का बना लीजिए. अब इसमें मूडीज का पॉइंट लिख लीजिए वहाँ पर कि मूडीज ने 2019-20 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट को कितना प्रेडिक्ट किया है. ये बहुत सारे होते हैं, अगर आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा ये आपके लिए. आंसर क्या होगा? आंसर इज 7.3%. क्योंकि बाद में ये एग्जाम के पॉइंट, एग्जाम के टाइम पर ये मिलते हैं ये डेटा के साथ, तो अपनी नोट्स खुद बनाइए, ये सब डेटा आप खुद नोट करिए. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. तो हु वॉज कन्फर्ड अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड बाय द त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑन 1 मार्च. त्रिपुरा सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? हमारे सामने 5 ऑप्शन हैं और आपको सही आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा? सुनील जी, ये राजस्थान को बेस करंट अफेयर्स नहीं है, ये हमारा करंट अफेयर्स यूनिवर्सल लेवल का है. राजस्थान की न्यूज़ कोई होगी तो ज़रूर आएगी यहाँ पे. चलिए और आंसर आपको देना है. आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा थंगा डार्लोंग. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. बहुत बढ़िया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग वन द स्कॉच अवार्ड 2018 फॉर इट्स अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए स्कॉच अवार्ड किसने जीता है? स्कॉच अवार्ड किसने जीता है? हमारे सामने 5 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर चूज करना है. क्या इसका आंसर होने वाला है? अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, बहुत सारा रिविजन बचा हुआ है, अभी 11th क्वेश्चन पे हैं. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज राइट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, देखिए यहाँ पर. तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन 1 मार्च. तो 1 मार्च को भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वायु अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? हमारे सामने अगेन 5 ऑप्शन हैं
और आंसर क्या होंगे ये आपको बताना है। उड़ीसा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, आप लोग देख, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सारे बच्चे उड़ीसा वाला पॉइंट ही दे रहे हैं। एंड द आंसर प्रांजल पांडे ने बोला है क्या कि रघुनाथ नामवीर, नामवीर, ठीक है सॉरी। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की आपके सामने। तो वेयर वॉज अ बुक टाइटल्ड मन की बात अ सोशल रिवोल्यूशन ऑन रेडियो रिलीज बाई फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन कहां पर हुआ, ये आपको बताना है। चेन्नई में, पुणे में, न्यू दिल्ली में, कानपुर में, नोएडा में, आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। और भूलिएगा नहीं आज के शाम का सेशन ज्वाइन करना जो कि इकोनॉमिक्स पर होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपके एग्जाम में आती है और 5 o'clock पर हम MCQs की बात करेंगे जहां पर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, वो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वेयर विल द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 बी हेल्ड ऑन 5 and 6 March 2019। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2019 का दूसरा एडिशन 5 to 6 March कहां पे आयोजित किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया। लखनऊ, हैदराबाद, नोएडा, न्यू दिल्ली, पुणे। चलिए आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की आपके सामने। तो हु ज्वाइंड द 15th फाइनेंस कमीशन एज इट्स मेंबर ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को कौन 15वें वित्त आयोग में इसके सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में शामिल हुए हैं? यहां पर फिर से ऑप्शन देखें, विजय केशव गोखले, प्रदीप कुमार सिन्हा, अजय नारायण झा, नृपेंद्र मिश्रा, अनिल काकोदर। तो क्या आपको आंसर यहां पर देना है? न्यू दिल्ली वाला पॉइंट सबका सही है लगभग, मैं देख रहा हूं यहां पे कमेंट। चलिए And the answer is option number 3, अजय नारायण झा। तो ये member बन गए थे, आपको ये पता है, ये हम पहले ही बताए हैं कि इनको 1 महीने का extension मिला हुआ था। चलिए आइए next question की बात करते हैं। 16 question, the United Nations Security Council has designated which person under its sanction list in March 2019। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 2019 में अपनी प्रतिबंध सूची के तहत इनको नामित किया है, इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में काफी पता होगा मेरे ख्याल से अगर आप न्यूज देख रहे होंगे तो। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हमजा बिन लादेन। हमजा बिन लादेन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, सही आंसर आ रहे हैं। चलिए आइए 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन विच कंट्री हैज द यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज्ड न्यू सैंक्शन ऑन 2 मार्च। तो 2 मार्च को यूएसए ने किस देश पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं? यूएसए का काम ही है नए प्रतिबंध लगाना, अब वो चाहे ईरान हो चाहे ये कंट्री हो। यूएसए ही क्यों सैंक्शन लगाता है आपने कभी सोचा है? क्योंकि यूएसए के पास एक चीज की मोनोपोली है कि उसका यूएस डॉलर जो है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है, ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए और यही उसे पावर भी देती है। एंड द आंसर इज वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन। आप सबको ये पढ़ाया गया है, एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है ये बताइए। ये हॉकी टीम के हमारे कैप्टन भी हैं, इनका नाम क्या होगा? इनका नाम क्या होगा? इनका नाम है ऑप्शन नंबर 2, मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह इज राइट आंसर, मनप्रीत सिंह। चलिए हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोग के सबके आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। फ्रॉम विच स्टेट डिड नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऑन 24 February? सिटी का नाम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिटी का नाम है गोरखपुर। स्टेट का नाम आपसे पूछा गया है, सिटी गोरखपुर है, तो स्टेट कौन सा होगा? यूपी वाले सारे जानते होंगे, इसके बाद देखते हैं और बच्चे आंसर दे पाते हैं कि नहीं। अब यूपी वाले मैंने बोल ही दिया तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहाँ पे आ रहा है, देखिए तुरंत क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, वेयर विल द 46th मीटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स बी हेल्ड ऑन 1 and 2 March 2019? तो 1 और 2 मार्च 2019 को इस्लामिक सहयोग संगठन
कि विदेश मंत्री परिषद की 46वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की जाएगी, जहाँ पे सुषमा स्वराज जी क्या है चीफ गेस्ट है आपको ये भी पता है, और आंसर क्या होगा ये भी देखना है। स्वाति सिंह बोल रहे हैं आबू धाबी, ठीक है। आरती सिंह भी बोल रही हैं आबू धाबी, क्या इसका आंसर होने वाला है, एंड द आंसर इज आबू धाबी। आबू धाबी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर, वेरी गुड फैंटास्टिक। I-21 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। Who was appointed as the ambassador to the United States by Saudi Arabia on 23rd February? 23 फरवरी को सऊदी अरब द्वारा USA में राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है ये आपको बताना है। ये एक लेडी हैं, है ना, और इनका नाम क्या है ये आपको पढ़ाया गया है मेरे द्वारा करंट अफेयर्स में, और आंसर क्या होगा इनका नाम, हाँ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है बिल्कुल, इनका नाम है रीमा बिंट पंडर बिन सुल्तान, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो विच डिफेंस बॉडी हैज कमीशन द हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिनरी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री? तो किसने देश में पहली बार हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिनरी प्रोग्राम शुरू किया है? इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है? क्या इसका आंसर होने वाला है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स इज राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो बच्चे किसी दूसरे वीडियोस का या अपने चैनल्स के लिंक यहाँ पे डालते हैं तो बेटा यहाँ पर सब पढ़ने के लिए आए हैं, आपकी एक एक्टिविटी किसी और को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो ये सब मत करिए, इवन मेरे शो में मत किया करिए। आपको अपना प्रमोशन करना है, किसी और चैनल का प्रमोशन करना है, बिल्कुल कहीं और करिए, यहाँ मत करिए, यहाँ सारे बच्चे केवल पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक। द एम ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान वायरल हेपेटाइटिस प्रोग्राम इज टू कॉम्बेट हेपेटाइटिस एंड अचीव कंट्री वाइड एलिमिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस सी बाई। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि इंडिया हेपेटाइटिस सी को कितने ईयर तक इंडिया से इंडिया से रिमूव करना चाहती है, ये आपको बताया गया है, पूछा गया है, और इसका आंसर आप लोग दे रहे हैं, इसका आंसर क्या है 2030 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल स्लैश टैक्स रेट ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रॉपर्टीज टू विच परसेंट ऑन 24 फरवरी। आपको ये पता है कि रियल इस्टेट सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बूम करना चाह रही है, तो कितने परसेंट GST कर दिया गया है ये आपको मैंने पढ़ाया है, पहले 12% GST थी, इसे कम करके कितना कर दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 5%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who was elected as the president of the Wrestling Federation of India on 24 February? Wrestling Federation of India के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपको ये पढ़ाया गया है, मेरे ख्याल से हर वो बच्चा जो मुझे फॉलो करता है वो इसके आंसर दे पाएगा, क्या इसका आंसर होने वाला है, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ब्रिजभूषण शरण सिंह, ठीक। देखिए एक बात मैं आपसे बता दूं, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के थ्रू और एक रिसर्च के थ्रू आपको पढ़ाई जाती हैं। तो कैनरा बैंक के एग्जाम्स हुए, सिंडिकेट बैंक के एग्जाम्स हुए, कुछ बच्चों ने मुझे फॉलो किया, एग्जाम भी दिया, तो आप चाहें तो उनसे फीडबैक ले सकते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन हमारे शो से ही आए, तो हमारे शो पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा, एटलीस्ट GA क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझ पर बिलीव करना होगा, जो मेरे सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको समझाता हूँ कैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, ठीक। मैं देखो लेफ्टी भी हूँ, और कहा गया लेफ्टी ऑलवेज लकी, है ना, तो इसका भी फायदा हो सकता है, मेरा लक भी आपके काम में आ सकता है कि नहीं, है सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 91st अकेडमी अवार्ड इन द लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया? तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 91 अकेडमी पुरस्कारों में से किसने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या इसका आंसर होगा? और यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं, और आंसर क्या होगा, आंसर होगा ग्रीन बुक, ग्रीन बुक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आइए हाँ फरवरी का MCQ भी हम करवाएंगे आपको, बहुत जल्दी करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, चलिए कल ही करवाते हैं, कल इवनिंग में 5 o'clock पर हम 101 MCQs फरवरी का लेके आ रहे हैं, कल इवनिंग में 5 o'clock पर आइए, धमाल मचाइए, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड एट द 91st अकेडमी अवार्ड इन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया? देख लीजिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछा गया है आपसे, क्या इसका आंसर होगा? तो कल 5 o'clock पर डन करते हैं 101 MCQs फरवरी का पार्ट 1। PDF से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है वो सारी चीजें। एंड द आंसर इज रेगिना किंग, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर क्वेश्चन नंबर 28 इज,
Where was the Rising India Summit 2019 inaugurated on 25th February? Rising India Summit, जो कि 25 फरवरी को हुई, तो इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया, ये आपसे पूछा गया है. न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, हैदराबाद, जयपुर. आपका आंसर क्या होगा, ये आपको देखना है. यहाँ पर हम किस बात कर रहे हैं, राइजिंग इंडिया समिट की बात कर रहे हैं, राइजिंग इंडिया समिट. एंड द आंसर इज, and the answer is option number 1, New Delhi. New Delhi is right answer. New Delhi is right answer. तो नई दिल्ली हमारा सही आंसर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 29 क्वेश्चन की. देखिए यहाँ पर तो who has been chosen for the Mahindra Excellence in Theatre Award Lifetime Achievement Award 2019. यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ चुका है आपके सामने और आपको इसका भी आंसर देना है. तो Mahindra Excellence in Theatre Award के Lifetime Achievement Award के लिए किसको चुना गया है, पढ़ाया गया है ये भी आपको. क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, आंसर इज महेश इल्का एलाउंचवर. तो महेश जी हैं जो इसका सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट की. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 30th क्वेश्चन आपके सामने. तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज प्रजनेश गुणेश्वरन इन द लेटेस्ट ATP रैंकिंग ऑन 25 फरवरी. तो 25 फरवरी को नवीनतम ATP सूची में भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन का स्थान क्या है, ये आपसे पूछा गया है और ये भी मैंने आपको पढ़ाया है. क्या इसका आंसर होने वाला है देख लीजिए. यहां पर And the answer is option number 3, 94 is the right answer. Chali, let's move to our next question. 31 question aapke saamne. Dekhiye. So who lifted the Cannes International Open Trophy on 25th February 2019 for chess? So ye aapko naam yaad rakhna. Dekhiye. Ek to agar aapse WhatsApp head India ka pucha jaye ya fir ye pucha jaye to aap mera naam yaad kar lijiye. Theek hai, to mera naam yaad kar lenge to aap answer de lenge. Iska answer kya hoga? Iska answer hoga option number 4, Abhijit Gupta. Abhijit Gupta is right answer. हाँ ठीक है बिल्कुल. Let's move to our next question and our next question is which country embassy will provide industrial training to Indian student in the aviation sector for space mission? तो किस देश के दूतावास, कौन सा दूतावास भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष मिशन के लिए विमानन क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा? आपका आंसर अब आपको देना है. What is the answer? And the answer is Russian Embassy. Russian Embassy is right answer. आपको मैंने पढ़ाया था. आइए next question की बात करते हैं. Which state signed an MOU with Napkisan Limited for access to collateral free loan facilities on 26 February 2019? तो कौन सी राज्य सरकार Napkisan के साथ एक समझौता कर रही है जिससे वहाँ के किसानों को सिक्योरिटी फ्री लोन मिल जाएगा? क्या इसका आंसर देख लीजिए. बिहार, पंजाब, उड़ीसा, झारखंड, हरियाणा. And the answer is option number 3, Odisha. Odisha government ne kiya ye. Napkisan NABARD ka ek subsidiary hai. Our next question. Who was appointed as the chairman of the Police Complaint Authority on 26 February? तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है. ये कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्स्ट्रा हाईलाइट से हैं. हमारा एक्स्ट्रा हाईलाइट जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम लेके आते हैं आपके लिए. एंड द आंसर इज, और हाँ अगर सेशन आपको हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करते चलें. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, PS Teji. PS Teji इज राइट आंसर. PS Teji इज राइट आंसर. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच स्टेट लॉन्च द पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग प्रणाम कमीशन ऑन फेबर 26? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, आप देख लीजिएगा. तो किस राज्य ने कर्मचारी अभिभावक जिम्मेदारी और जवाबदेही एवं निगरानी मानदंड प्रणाम कमीशन शुरू किया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, असम. असम इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली मिथाइल हाइड्रेट अ पोटेंशियल फ्यूल ऑफ द फ्यूचर वॉज डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? तो हाल ही में किस राज्य के तट से दूर कृष्णा गोदावरी बेसिन में भविष्य के संभावित ईंधन मिथेन हाइड्रेट की खोज की गई है? ये आपको पूछा गया है और ये आपको पढ़ाया भी गया है तो आपको राइट आंसर देना चाहिए. चलिए और आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के तट पे मिला है. ठीक है, बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया इन 2019? नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है. यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं. व्हाट इज द आंसर?
नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, किसको चुना गया ये आपसे पूछा गया है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, मोहम्मद बुहारी। मोहम्मद बुहारी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द 11th इंग्लिश मैन टू रिसीव द नाइटहुड इन द न्यू ईयर ऑनर। तो न्यू ईयर ऑनर लिस्ट में नाइटहुड प्राप्त करने वाले 11वें ब्रिटिश खिलाड़ी कौन बने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और आपको इनका इनाम मालूम है। इनका नाम है एलिस्टेयर कुक, ऑप्शन नंबर थ्री। ये फॉर्मर कैप्टन है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए। विच पेयर अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप 2019। तो ISSF विश्व कप 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता, पढ़ाया गया है आपको। आपको बताया कि इस बार का ISSF वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, ये इवेंट इंडिया का ही है। व्हाट इज द आंसर, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में पढ़ाया हुआ है। एंड द आंसर इज सौरभ चौधरी एंड मनु बाकर, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state was an ancient petroglyph site with 19 unique rock artwork discovered by the researcher T. Murugeshi? तो किस राज्य में शोधकर्ता टी मुरुगेशी द्वारा 19 विशिष्ट पत्थरों वाली कलाकृति के साथ एक प्राचीन पेट्रोग्लिफ साइट की खोज की गई है? स्टेट का नाम आपको बताना है क्या होगा। चलिए स्टेट का आंसर क्या है, कर्नाटका। कर्नाटका इज राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल एप्लीकेशन ऑन February 27। तो कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लॉन्च किया गया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा? तो क्या इसका आंसर आप देना चाहेंगे, आपको पढ़ाया गया वैसे ये सब तो। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, खेलो इंडिया एप्लीकेशन। तो खेलो इंडिया एप्लीकेशन इज राइट आंसर, ठीक है। Let's move to our next question. And our next question is, which state government launched the boat ambulance service to help patient reach hospital in remote areas cut off by rivers? मैंने आपको ये अपने extra highlight में पढ़ाया हुआ है, याद करिए और सही answer दीजिए क्या इसका answer होगा। देख लीजिए पढ़ाया गया आपको ये। And the answer is option number one, Odisha. Odisha is right answer. Odisha is right answer. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 43rd क्वेश्चन। द फोर्थ एडिशन ऑफ साइंस एट द सभा ऑर्गेनाइजेशन बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी और यूटी। तो चौथा एडिशन साइंस एट द सभा ऑर्गेनाइज बाई द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस विल बी हेल्ड इन विच सिटी और यूटी। न्यू दिल्ली, चेन्नई, नासिक, लखनऊ, कहाँ पर ये हुआ ये आपसे पूछा गया है और आंसर आपको देने हैं, और PDF के लिए कमेंट बॉक्स में बने रहें, ठीक। And the answer is option number two, Chennai. Chennai is right answer, na ki New Delhi. Chennai is right answer. Science at the Sabha, organized by the Institute of Mathematical Science, fourth edition, kahan pa Chennai mein ye hua. Chaliye, next question ki baat karte hain, 44 question. Which country central bank launched new currency RTGS dollar? तो किस देश के सेंट्रल बैंक ने नई करेंसी आरटीजीएस डॉलर लॉन्च किया है ये भी आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में पढ़ाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द आंसर, एंड द आंसर इज जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज राइट आंसर, आपको पढ़ाया गया है, जिम्बाब्वे इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जल्दी से और तेज से बढ़िया से राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च अ हेल्पिंग 1905, हेल्पलाइन नंबर है ये 1905, फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट, मतलब पुलिस की पहुंच जल्दी से होनी चाहिए। तो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने 1905 एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, क्विक रिड्रेसल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड हरियाणा। तो 1905 हेल्पलाइन नंबर किस स्टेट ने लॉन्च किया ये आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा इसका, एंड द आंसर इज उत्तराखंड, उत्तराखंड इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन। हाउ मच इनिशियल कॉर्पस हैज बीन सेटअप बाई द वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस वुमेन एंड सिडबी फॉर द वुमेन्स लिवलीहुड बॉन्ड? आपको मैंने अपने एक्स्ट्रा हाईलाइट में ये सारी न्यूज पढ़ाई गई है, बस आपको याद रखना है ये क्या पॉइंट था और क्या था ये, कैसे ये आपको कहां पढ़ाया गया था। तो एक्स्ट्रा हाईलाइट में ये सारे पॉइंट हम कवर करते जाते हैं। And the answer is option number two, 300 crore. 300 crore rupees is right answer. पढ़ाया गया ये नहीं सबको।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. द 44th इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन समिट हेल्ड इन विस सिटी ऑब्लिक यूटी. 44th इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन समिट कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में, कोची में, पुणे में, चेन्नई में? और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है? और आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा कोची, केरला. कोची केरला इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. यहां पर विच बैंक हैज टाइड अप विथ जर्मनीज के एफ डब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर फंडिंग ऑफ $113 मिलियन टू रिफाइनेंस सोलर प्रोजेक्ट. आपको यह भी पढ़ाया गया है कि किस बैंक ने एक जर्मनी के KFW डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है $113 मिलियन का, जिससे कि ये बैंक रीफाइनेंस कर सकता है सोलर प्रोजेक्ट को. मतलब कि ये बैंक जर्मनी के बैंक से लोन लेगा और ये पैसा आगे बढ़ाएगा रीफाइनेंस करने के लिए. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर क्राउंड एज द विनर्स ऑफ द इनॉग्रल प्रो वॉलीबॉल लीग. तो प्रो वॉलीबॉल लीग में जो कि ये इनॉग्रेशन, मतलब कि ये पहला एडिशन था इंडिया में, किस टीम ने जीता है ये आपसे पूछा गया. आपको पढ़ाया गया ये भी एक्स्ट्रा हाईलाइट में, अगर आपको ध्यान हो तो. तो यहां पर चार टीम हमारे पास हैं एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, चेन्नई स्पार्टन्स. चेन्नई स्पार्टन्स इज राइट आंसर. आइए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट इंडेक्स 2019, मैं हेनली की बात नहीं कर रहा हूँ, हेनली की बात नहीं हो रही है. अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट इंडेक्स 2019, वॉट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट. ये आपको बताना है कि इंडियन पासपोर्ट की रैंक कितनी है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 67th. 67th इज राइट आंसर. 52 नहीं है बेटा, गलत मत करो. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. According to Inclusive Internet Index prepared by the Economic Intelligence Unit for Facebook, what is the rank of India in the overall Inclusive Internet Index 2019 score? पढ़ाया गया आपको ये भी, आप मना नहीं कर सकते हैं. और क्या इसका, जब से मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट देना शुरू किया है तो मंडे को पहले यूँ था कि बहुत सारे क्वेश्चन हमसे छूट जाते थे, लेकिन अब मंडे को आपको अपने अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा हाईलाइट में हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं. और इसका आंसर क्या होगा? 47th. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मैनी मोर अफोर्डेबल हाउसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्बन पुअर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. आपको मैंने यह भी पढ़ाया है कितने नए घरों को मंजूरी मिली है. नंबर्स में है, डेटा है, याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट याद आपको करना होगा क्योंकि मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. देख लीजिए यहां पे 560,695. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ दे देंगे, परेशान मत होइए, कमेंट में बने रहें. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट. तो नेशनल बुक ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं, यह भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. टफ बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ाए गए हैं सारी बातें, अगर आप पढ़े रहेंगे तो कुछ टफ नहीं है आपको. एंड द आंसर इज गोविंद प्रसाद शर्मा. गोविंद प्रसाद शर्मा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारे सामने यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 54, देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन गॉट द गांधी पीस प्राइज फॉर 2015 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मैंने आपको गांधी पीस प्राइज पढ़ाया है हर ईयर का, उसमें से एक ईयर मैंने आपको पूछा है, जितने और ईयर हैं अगर आपको नाम याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो जैसे ही सेशन हमारा खत्म होगा देख लीजिएगा जाकर कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं. ठीक, वॉट इज द आंसर? एंड द आंसर इज विवेकानंद केंद्र. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. यहां पर 2015 की बात पूछी गई है आपसे, ये भी आपको ध्यान देना होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु हैज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द FMSCI एनुअल अवार्ड मुंबई. तो FMSCI एनुअल अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसको दिया गया है? हालांकि ये मैंने पढ़ाया है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, GR कार्तिकेयन. ऑप्शन नंबर 4, GR कार्तिकेयन इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट फर्स्ट एवर फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल और बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड टूर. तो इसमें से कौन सा शहर पहली बार फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड टूर को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोच्चि एंड गंगटोक. क्या आंसर आप देंगे यहां पर?
एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, विशाखापट्टनम. विशाखापट्टनम में ये होने वाला है. ठीक, चले, विशाखापट्टनम वाला पॉइंट हमारा हो गया. हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. 57 क्वेश्चन. रिसेंटली आरबीआई रिमूव्ड इलाहाबाद बैंक, कॉरपोरेशन बैंक एंड दिस बैंक फ्रॉम द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क. पढ़ाएं ये भी आपको, है ना, कि और तीन बैंक अभी निकाले गए थे पीसीए से. तो एक था हमारा इलाहाबाद बैंक, एक था हमारा कॉरपोरेशन बैंक और एक प्राइवेट बैंक था. कौन सा बैंक था याद करिए, पढ़ाएं ये भी आपको. एक्स्ट्रा हाईलाइट से आपको काफ़ी फायदा मिला होगा, मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक, तो एक्स्ट्रा हाईलाइट पर हमारे विशेष ध्यान दीजिए आप. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, धनलक्ष्मी बैंक. धनलक्ष्मी बैंक इज राइट आंसर. धनलक्ष्मी बैंक इज राइट आंसर. चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. यहां पर देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है. विच कंपनी एक्वायर्ड 51% स्टेक इन डिजी फोटो एंटरटेनमेंट इमेजिंग. याद करिए, पढ़ाया गया आपको कि इंडिया की किस कंपनी ने यूएई बेस्ड डिजी फोटो में 51% का शेयर एक्वायर किया है. गूगल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट, थॉमस कुक इंडिया ग्रुप एंड एप्पल. क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए. व्हाट इज द आंसर? दीप जी, एक्स्ट्रा हाईलाइट हमारे सेशन में ही बाद में होता है. ठीक, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, थॉमस कुक इंडिया ग्रुप. थॉमस कुक इंडिया ग्रुप इज राइट आंसर. ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. 59 क्वेश्चन इज आईआरसीटीसी एप्लीकेशन एंड विच स्टेट गवर्नमेंट खांजी ऑनलाइन वॉन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड. पढ़ाया गया आपको ना कि आईआरसीटीसी का रेल कनेक्ट एप्लीकेशन और इस स्टेट का खनिज ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला था. क्या इसका आंसर होगा, ये भी देखना है आपको. तो व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर. खनिज है. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हेन इज वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व. वर्ल्ड एनजीओ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? जागृति भल्ला, ये सब मत करो भैया, मना कर रहे हैं कि लिंक विंक मत भेजो. हिंदी में बात समझ में आ रही तो समझ लो यार, वरना फिर ब्लॉक कर दे तुम लोगों को. मत करिए ये सब कमेंट, मत करिए, पढ़ने दीजिए बच्चों को, डिस्ट्रैक्ट मत करिए एकदम भी. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, फरवरी 27 इज राइट आंसर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 61 क्वेश्चन आपके सामने. विच इंडियन बॉक्सर वॉन गोल्ड एट द मैकरन कप इन ईरान. तो मकरन कप ईरान में किस इंडियन बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता? एक ही थे, मैंने आपको बताया है, बाकी के सारे लोगों ने नहीं जीता था, सिल्वर जीता था. क्या इसका आंसर होगा? व्हाट इज द आंसर? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, दीपक सिंह. दीपक सिंह इज राइट आंसर. दीपक सिंह इज राइट आंसर. चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड एथलेटिक्स सीरीज इवेंट 2021. तो कौन सा देश होस्ट करेगा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन वर्ल्ड एथलेटिक्स सीरीज इवेंट 2021? आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर. और हम बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे. हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने. अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग सेक्रेटरी राजीव कुमार. बैंकिंग सेक्रेटरी राजीव कुमार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक हैव रिकवर्ड हाउ मच अमाउंट इन द फर्स्ट थ्री क्वार्टर ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर. तो इस वित्तीय वर्ष की बात करें, पहले थ्री क्वार्टर में, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सरकारी बैंकों ने कितना अमाउंट रिकवर किया है जो कि एनपीए हो गया था, यह आपसे पूछा गया. क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए, अच्छी न्यूज है हमारे लिए भी. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर, 98,000 करोड़. 98,000 करोड़ इज राइट आंसर. तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था. पीडीएफ आपको मैं कमेंट में यहाँ पे दे रहा हूँ, तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा. चलिए, तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पर रिवाइज करने को मिले होंगे. तो ये रहा हमारा पीडीएफ, डाउनलोड कर लीजिएगा. और जो बच्चे इसे ऑफलाइन फॉर्म में देखेंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. भूलिएगा नहीं, 5 o'clock पर आपका इकोनॉमिक्स की क्लास है. एमसीक्यूज की बात हम करेंगे, जहां पर जितने भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स आती है वो सारे एग्जाम की हम बात करेंगे. तो आपको वहां पर आना है और धमाल मचाना है. थैंक यू सो मच गाइस. और मॉर्निंग हो चुकी है,
एक स्ट्रेटजी बनाइए अपनी कि आज आपको क्या क्या करना है. आई थिंक संडे को आपने रिवीजन किया होगा, जैसा मैंने आपको समझाया था कि संडे मतलब रिवीजन के लिए आपका, शनिवार भी रिवीजन के लिए आप रख सकते हैं. तो ऐसा ही करते रहिए, स्ट्रेटजी फॉलो करते रहिए, जिद करिए हमेशा, कभी गिव अप नहीं करना है, और जो आप प्लान बनाएं उसको अचीव करके ही उठें. ये नहीं कि बीच में मैसेज आ गया कि नीचे खड़े हैं दोस्तों का, या सीरियल शुरू हो गया कि चलो सीरियल देख लेते हैं, नागिन वागिन, ये सब नहीं करना है. एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ फॉलो करना ही है अपना जो भी टारगेट है. थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इवनिंग 5 o'clock पर. सबका दिन मंगलमय हो, सबको फिर से महाशिवरात्रि की बधाई हो. थैंक यू.